नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीएस गोड़ और आज हम एनटीए यूजीसी नेट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। एक महत्वपूर्ण विचारक है इटली का एंटोनियो ग्राम्सी। यद्यपि ग्राम्सी जो इटली का है, लेकिन है ये मार्क्सवादी विचारक, और मार्क्सवादी विचारक में भी ये है नव मार्क्सवादी विचारक है। इनका जन्म इटली में हुआ 1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में, यानी ये है पिछली शताब्दी का एक महत्वपूर्ण विचारक है। ये इटली का रहने वाला था और कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता होगा इसका यदि हम काल देखें तो वो मुसोलिनी का काल था, और मुसोलिनी के काल में मुसोलिनी चूंकि फासिस्टवादी व्यक्ति था, फांसीवादी व्यक्ति था, जो राज्य को बहुत ज्यादा महत्व देता था, और जहां राज्य को महत्व दिया जाता है वहां मार्क्सवादी व्यक्तियों से घृणा की जाती है, उनसे विरोध किया जाता है। तो एंटोनियो ग्राम्सी जहां मार्क्सवादी व्यक्ति था, तो जाहिर बात है इसकी इटली के मुसोलिनी से नहीं बनती थी, और मुसोलिनी ने इसको जेल में डाल दिया था, और उसी जेल में रहते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। बुक्स की यदि बात करें तो इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें मॉडर्न प्रिंस, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि आधुनिक राजकुमार कौन होंगे जो मार्क्सवाद की क्रांति करेंगे, और क्रांति भी किस प्रकार करेंगे। उन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी द प्रिजन नोटबुक, जो उन्होंने जेल में रहते हुए। राजनीतिक विचार जानने से पहले अपन इनके कुछ शब्द है जो शब्दावली इन्होंने काम में ली उसके बारे में जान लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और तथ्य के रूप में इनको पूछा जा सकता है। उस शब्दावली में पहला शब्द है प्राधान्य या प्रभुत्व, जिसे हम हेगेमनी कहते हैं, नागरिक समाज, नंबर दो सिविल सोसाइटी, तीसरा राज्य की स्वायत्तता, चौथा अधिसंरचनाओं की स्वायत्तता यानी उनका महत्व, और पांचवा मॉडर्न प्रिंस, ये काफी अच्छा शब्द इन्होंने काम में लिया है, वेदमूलक संरचनाएं, निष्क्रिय क्रांति जिसे पैसिव रिवोल्यूशन कहते हैं, और सावियो बुद्धिजीवी, ये शब्द इन्होंने काम में लिए, और भारतीय दार्शनिकों का सम्राट अरविंद घोष ने जो अंतिम दो शब्द मैंने बोले थे, निष्क्रिय क्रांति और सावियो बुद्धिजीवी, ये यहीं से इनसे लिया था। अब अपन देख लेते हैं सबसे पहले मार्क्स में और ग्राम्सी में कुछ अंतर है, तभी तो मार्क्स को मार्क्सवादी और ग्राम्सी को नव मार्क्सवादी कहा जाता है। तो क्या अंतर है जिसकी वजह से इसको नव मार्क्सवादी कहा जाता है? तो पहला अंतर है ग्राम्सी ने मार्क्सवाद की आर्थिक व्याख्या और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इन दोनों को ही नकार दिया था, और नकारने का कारण क्या था, क्योंकि मार्क्स जो था वो समाज के निर्माण को आर्थिक तत्वों से जोड़ देता है। वो कहता समाज का निर्माण सीधा नहीं हुआ है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तरीके से हुआ है, और वो केवल आर्थिक व्याख्या के आधार पर देता है, जबकि ग्राम्सी ये कहता है कि इन दोनों का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का और इतिहास की आर्थिक व्याख्या का आधार केवल आर्थिक प्रणाली यानी भौतिक तत्व है, जबकि ग्राम्सी यह कहता है कि केवल भौतिक तत्वों से या आर्थिक तत्वों से ही समाज का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि इनके अलावा जो राजनीति है, धर्म है, शिक्षा है, संस्कृति है, ये तत्व भी समाज के निर्माण में बहुत महत्व रखते हैं। दूसरा जो अंतर है, मार्क्सवाद केवल आधार यानी बेस को महत्वपूर्ण मानता है, वो कहता है आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर राज्य का निर्माण हुआ, यानी राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, अधिसंरचना महत्वपूर्ण नहीं है, आधार के ऊपर जो अधिसंरचना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि ग्राम्सी कहता है कि आधार भी महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर बनने वाली अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर जो है वो भी महत्वपूर्ण है, यानी ग्राम्सी आधार की बजाय अधिसंरचनाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि बेस चाहे कुछ भी रहा हो, उसके ऊपर जो अधिसंरचनाएं बनी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी जो चीज है, मार्क्सवाद अधिसंरचनाओं में कोई भेदभाव नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता, क्योंकि वो तो बेस को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि ग्राम्सी इन्हें दो भागों में बांट देता है, एक नागरिक समाज में और दूसरा राजनीतिक समाज में, जिसके बारे में अगर आगे अपन महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इनको समझेंगे। एक, मार्क्स राज्य को स्वायत्त नहीं मानता, वो कहता है राज्य स्वायत्त नहीं, इसका आखिर में अंत होना है, क्योंकि ये आर्थिक तत्वों के आधार पर, लड़ाई के आधार पर इसका निर्माण हुआ है, और जो बुर्जुआ वर्ग है उसने अपनी स्वार्थ के लिए राज्य का निर्माण किया, जैसे ही वर्ग खत्म होंगे राज्य की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो वो राज्य की स्वायत्तता को महत्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि वो आर्थिक तत्वों
पर निर्भर आर्थिक तत्वों को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि आर्थिक तत्व है वो राज्य का बेस है, वो राज्य जो अधिसंरचना उसके नीचे का बेस आर्थिक तत्व है, जबकि ग्रामसी राज्य के साथ साथ जो अधिसंरचना है यानी राज्य को ये उसकी स्वायत्तता पर बल देता है। ये कहता है कि आर्थिक तत्व बेस अलग है और राज्य बिल्कुल अलग है, और यहीं से वो नव मार्क्सवाद की नींव रख देता है। यहीं से मार्क्स में अंतर नजर आता है। मार्क्स जहां पर केवल बेस को महत्वपूर्ण मानता, उसके बनने वाली अधिसंरचनाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि जैसे ही बेस खत्म होगा अधिसंरचना समाप्त हो जाएगी, लेकिन मार्क्स ग्रामसी ये कहता है कि नहीं, अधिसंरचना महत्वपूर्ण, राज्य अपने आप में स्वायत्त है, ये समाप्त नहीं होने वाला है, और यहीं से नव मार्क्सवादी जो राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते, वो विचारधारा को बदलना चाहते हैं, वो हिंसक क्रांति से साम्यवाद नहीं लाना चाहते बल्कि वैचारिक क्रांति से साम्यवाद लाना चाहते हैं, यही नव मार्क्सवाद की थीम है। इसके अलावा ग्रामसी है वो अधिसंरचनाओं की स्वायत्तता का महत्व स्वीकार कर मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद या नियतिवाद को ही अस्वीकार कर देता है। और दूसरी बात यह है कि ग्रामसी के अनुसार केवल आधार ही महत्वपूर्ण नहीं है, अधिसंरचनाएं भी महत्वपूर्ण है। ग्रामसी बुर्जुआ या पूंजीवादी समाज को इस प्रकार समझाता, वो कहता है आधार जो है, मार्क्सवाद ने जैसा समझाया कि उत्पादन प्रणाली के आधार पर दो वर्ग बट गए, एक बुर्जुआ वर्ग एक मजदूर वर्ग, जबकि ये कहता है कि इसके अलावा कला शिक्षा इनके आधार पर भी राज्य के वर्ग थे और उनके आधार पर अधिसंरचना बनी यानी सुपर स्ट्रक्चर बनाए। तो वो कहता है कि राज्य सरकार कानून धर्म संस्कृति प्रथाएं ये कुछ अधिसंरचनाएं हैं जो समाज के ऊपर उनका निर्माण हुआ है, आधार के आधार पर उनका निर्माण हुआ है, और वो इनको दो भागों में बांटता है राज्य को या अधिसंरचनाओं को, एक नागरिक समाज और दूसरा है राजनीतिक समाज। हम इनको समझेंगे तो इसके पूरे विचार हमें समझ में आएंगे। जहां पर मार्क्स केवल राज्य को मानता है, राज्य को स्वायत्त स्वीकार नहीं करता, राज्य को समाप्त कर देना चाहता है कि जैसे ही आर्थिक बेस समाप्त हो जाएगा उसके ऊपर भी राज्य की कोई जरूरत नहीं रहेगी, जबकि मार्क्सवादी नव मार्क्सवादी ग्रामसी ये कहता है कि नहीं, राज्य अपने आप में स्वायत्त है, यदि यह आर्थिक तत्व समाप्त होंगे तब भी राज्य समाप्त नहीं होगा। राज्य की अधिसंरचनाएं दो प्रकार की, एक नागरिक समाज जिसके अंदर परिवार स्कूल विश्वविद्यालय धार्मिक संस्थाएं ये सब शामिल है, और ये संस्थाएं वेद संस्थाएं हैं, वेद संरचनाएं हैं, और जो नागरिक समाज का निर्माण करती है। दूसरा जो राजनीतिक समाज है जिसके अंदर सरकार पुलिस सेना इत्यादि है, ये बल प्रयोग मूलक संस्थाएं, तो एक नागरिक समाज की संस्थाएं जो वेद संस्थापक संस्थाएं हैं समाज की, और एक सरकारी संस्थाएं राजनीतिक संस्थाएं जो बल मूलक प्रयोग संरचनाएं, और यहीं से उसकी प्राधान्य या प्रभुत्व की अवधारणा को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले बात वो कहता है, यहां से इसकी थीम की बात करते हैं, ग्रामसी ये कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग का निर्माण हुआ है वो बल द्वारा नहीं हुआ। मार्क्स ने कहा था कि वो बल के लिए राज्य की स्थापना की जाती है ताकि मजदूर वर्ग को एक पुलिसमैन की भूमिका निभाते हुए राज्य मजदूर वर्ग को दबा कर रख सके, यानी ये पूंजीपतियों की कार्य समिति है। लेकिन वो ये कहता है, ग्रामसी कहता है कि राज्य की स्थापना बल द्वारा नहीं हुई है या बल द्वारा आधिपत्य की स्थापना नहीं हुई है, बल्कि इन पूंजीपतियों ने सर्वहारा जो वर्ग है उसका वैचारिक परिवर्तन कर दिया, यानी उनका माइंड वॉश कर दिया और उनके दिमाग में ये बैठा दिया कि पूंजीवादी विचारधारा ही दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर विचारधारा है, और उन्होंने सर्वहारा वर्ग का वैचारिक परिवर्तन करके पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करने का उनका विचार ही दूर कर दी। यानी वैचारिक परिवर्तन के बाद में जो सर्वहारा है वो पूंजीवाद को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, यानी उन्हें वेदता प्रदान करते हैं। जब आदमी के दिमाग में ये घुस जाती है कि ये चीज अच्छी है तो उसका विरोध नहीं कर पाता। तो ग्रामसी ये कहता है कि ये जो प्राधान्य की अवधारणा है उन्होंने लोगों का वैचारिक परिवर्तन कर दिया, लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि पूंजीवाद ही सबसे अच्छी विचारधारा है और इसी से भला हो सकता है, तो अब वो उसका विरोध नहीं करते।
ये वैचारिक जो परिवर्तन हुआ, ये वैचारिक परिवर्तन करवाता कौन है? ये सर्वारा वर्ग में जो पूंजीवादी विचारधारा की वेद था, को ये जो नागरिक समाज है वो इस वैचारिक परिवर्तन को करवाता है, ये उनके माइंड को वास करता है। यानी जो स्कूल है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो विश्वविद्यालय है, जो चर्च है, वहां शुरू से ही ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसा सिलेबस दे दिया जाता है कि उदारवाद या पूंजीवाद इतना अच्छा है कि उससे अच्छा दूसरा हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, और वहीं से ये धारणा मजबूत हो जाती है। नागरिक समाज बल प्रयोग नहीं करती, बल्कि वैचारिक प्रयोग यानी माइंड वॉश करके ये वैचारिक परिवर्तन कर देती है। क्योंकि नागरिक समाज होता है वो आधार से, निकटता से जुड़ा होता है, अतः यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणाली की वजह से ये अस्तित्व में आते हैं, लेकिन इन नागरिक समाज की वजह से ये जो है वो वैधता प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्राम्सी कहता है कि जिस प्रकार से पश्चिमी उन्नत पूंजीवाद में सिर्फ आर्थिक शोषण का नारा लगाकर मजदूर वर्ग को, पूंजीवाद को जो स्वाभाविक रूप से अच्छा मानते हैं, तो उनको इस आधार पर उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो उनका परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? जिस प्रकार से पूंजीवाद ने वैचारिक परिवर्तन किया है, उसी प्रकार से साम्यवाद को भी अगर लाना है तो मजदूर वर्ग में या जो सर्वारा वर्ग में है उनको अर्थशास्त्र के मोजाल से निकाल कर, उनकी जो संस्कृति है पूंजीवाद की, साहित्य है, दर्शन है, शिक्षा है, धर्म है, उन सभी में वैचारिक क्रांति लानी पड़ेगी, उन सबको पछाड़ना पड़ेगा और उनमें साम्यवाद में ढालना पड़ेगा। यानी उनका माइंड वॉश करके, जैसा उन्होंने माइंड वॉश किया है वैसा का वैसा हमें भी उनका माइंड वॉश करके साम्यवाद लाना पड़ेगा। और ये कहता है कि ये कार्य जिस प्रकार वो वैचारिक परिवर्तन करते हैं और वैचारिक परिवर्तन के विरोध में यदि क्रांति होती है तो फिर वो बल प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमें भी वैचारिक क्रांति करनी है, और अगर वो नहीं हो तो फिर हिंसा का आप सहारा ले सकते हैं। जैसे नागरिक समाज हमेशा सफल होता है, पुलिस सेना यानी राजनीतिक समाज उतना सफल नहीं हो पाता है, उसी प्रकार से हमें भी वैचारिक क्रांति करनी पड़ेगी। इसलिए ग्राम्सी एक कथन कहता है कि नागरिक समाज राज्य के पीछे खड़ी कीलों व मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली, क्योंकि इनके माध्यम से ही वैचारिक परिवर्तन लाया जा सकता है। ये तो हो गई सबसे पहली बात कि ये करना क्या चाहता है, किस प्रकार से ये साम्यवाद लाना चाहता है। दूसरी है कि क्रांति कैसे करना चाहता है। ग्राम्सी और क्रांति के बारे में कुछ विचार जान लेते हैं। ग्राम्सी ये कहता है कि रूस के अंदर चूंकि सामंती समाज था, पिछड़ा हुआ समाज था, तो वहां पर आर्थिक शक्तियों की संकल्प शक्ति की जीत बताता है। वो कहता है वहां ये रूस में क्रांति संभव हो पाई, हिंसक क्रांति संभव हो पाई, क्योंकि वो पिछड़ा और सामंती देश था। लेकिन जो पश्चिमी देश है वो उन्नत देश है, पूंजीवाद पहले से यहां पर घर करा हुआ है, तो वहां पर इस प्रकार की क्रांति संभव नहीं है, वहां पर केवल वैचारिक क्रांति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो ग्राम्सी है वो दो प्रकार की क्रांति या दो प्रकार के युद्ध की बात करता है। पहला वो बात करता है गतिशील युद्ध, यानी जो सामंती और पिछड़े देशों के अंदर हिंसक क्रांति द्वारा की जाती है उसे गतिशील युद्ध यानी प्रत्यक्ष युद्ध के बारे में वो बात करता है, जो रूस में जैसा किया। और दूसरा स्थितियों का युद्ध यानी वार ऑन पोजिशन। तो इसमें वो कहता है कि उन्नत और पूंजीवाद देश है वहां पर जहां नागरिक समाज बहुत ज्यादा हावी है, वहां पर हमें स्थितियों से, वहां की परिस्थितियों से युद्ध करना पड़ेगा। यानी उन्नत पूंजीवादी जो देश है वहां पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वहां जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो विश्वविद्यालय है, परिवार है, स्कूल है, कला है, संस्कृति, इनमें घुसना पड़ेगा और लोगों में वहां के विचारों का परिवर्तन लाना होगा। यानी इन सभी विचारों के परिवर्तन को ग्राम्सी निष्क्रिय क्रांति यानी पैसिव रिवोल्यूशन कहता है। अब ये कार्य करेगा कौन? तो वो कहता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें वो सावयव या जैविक बुद्धिजीवी कहता है, जो ऐसा कार्य करने में सक्षम होंगे, जिन्हें वो अंग्रेजी में ऑर्गेनिक इंटरटेक्सचुअल्स के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि ये लोग की एक टीम होगी जिन्हें हरावल दस्ता भी कहा जाता है, और वो लेनिन का यहां समर्थन करता है कि ये लोग समाज का नेतृत्व करेंगे, ये लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का माइंड वॉश करेंगे और वहां पर वैचारिक क्रांति करने का कार्य करेंगे। इस तरह ग्राम्सी है वो लेनिन की तरह बाहरी क्रांति यानी वे वेन्यू गार्ड्स ऑफ रिवेल्युशन को स्वीकार करता है।
यहां वो एक बात यह कहता है कि क्रांति स्वतः नहीं होगी, बल्कि क्रांति को साम्यवादी पार्टी के जो बुद्धिजीवी है, जो जैविक बुद्धिजीवी है, यानी जो मॉडर्न प्रिंसेज है, वो नेतृत्व देंगे और वह इनके नेतृत्व का कार्य करेगा। तो वो मॉडर्न प्रिंस होंगे जो जैविक बुद्धिजीवी होंगे। एक अंतिम बात, राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता की बात करता है ग्राम्सी। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता क्या है। मार्क्स जहां पर केवल आधार को बेस मानकर वो राज्य को स्वायत्त रूप में या सापेक्ष रूप में स्वायत्त नहीं मानता, वो कहता है कि आधार से ही राज्य जुड़ा हुआ है। अगर आधार यानी आर्थिक जो तत्व है वो समाप्त हो जाएंगे, ये जो लड़ाई जो बुर्जुआ वर्ग और सर्ववर्ग की समाप्त हो जाएगी तो राज्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यानी राज्य स्वायत्त नहीं है, उसकी वो टिका हुआ इस पर है, ये समाप्त वो भी समाप्त। लेकिन यहां पर ग्राम्सी राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता स्वीकार करता है कि नहीं, आर्थिक तत्व समाप्त हो जाएंगे, लड़ाई समाप्त हो जाएगी, तो राज्य समाप्त नहीं होगा बल्कि राज्य में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि राज्य अपने आप में स्वायत्त है। यद्यपि मार्क्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट, उसमें उन्होंने एक बार राज्य की स्वायत्त सापेक्षता को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में वो अपने दर्शन में इससे दूर हट जाता, मना कर देता है, जबकि नवमार्क्सवादी है राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता को स्वीकार करते हैं। इनके अलावा जो नवमार्क्सवादी है जिन्होंने राज्य की स्वायत्तता को स्वीकार किया, उनमें लुई अल्थ्यूजर है जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी लेजिमिटेशन क्राइसिस, जो वैधता का संकट के नाम से जानी जाती है, जिसमें संरचनात्मक सिद्धांत दिया। निकोलस पोलंजा, उन्होंने पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास 1978 में लिखी, वहां इन्होंने भी संरचनात्मक सिद्धांत दिया। और राल्फ मिलबैंड जिन्होंने द स्टेट एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 में लिखी, जिसमें राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत दिया, और इन्होंने भी राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता को स्वीकार किया है। तो यहां पर ग्राम्सी के विचारों को हमने जाना, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।